जी अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे जी। आज हम आपको सूट दिखा रहे हैं जो कि वेलवेट पे है। बड़ा नाइस तरीके से रेडी किया हुआ है इसको हमने। इसकी बाजू जो है वो ओपनिंग 4 इंच है और इसके बाजू के आगे भी लेस है अलग से और ऊपर भी लेस है। इसके चाक देखें किस तरह जो है, हमारे जो चाक है वो स्ट्रेट है। इसकी रीज़न क्या है, वेलवेट को इस तरह सीधा सीधा खड़ा कैसे कपड़े में रख सकते हैं? हर चीज़ की एक रीज़न होती है। गला देखें, इसकी स्लीव्स, इसके आर्म होल की कटिंग आप देख सकते हैं जी। इस पे किसी तरह की भी कोई सिलवटें नहीं है। बैक साइड से देखेंगे तो बैक साइड से भी इसी तरह ही है। इसके अंदर हमने ना चाकू पे फ्यूज़ किया हुआ है। ये थोड़ी इस पेपर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको उतार के दिखाते हैं। जैसे ये उतर रहा है ना, इस तरह उतार देते हैं बाद में सिलाई करने के बाद। तो ये हमने सिर्फ वीडियो के लिए छोड़ा हुआ था इतना सा कि आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर हमने फ्यूज़ पेपर यूज़ किया हुआ है ताकि वो जो चाक होते हैं वो स्ट्रेट रहें और इसको प्रेस की ज़रूरत ना पड़े। ये इसका गला है और ये इसकी आर्मों की सिलाई है। ये आप फिनिशिंग देखें, इसकी कटिंग देखें और ये बैक साइड पे आप देखें किसी तरह की कोई इसमें सलवटें नहीं है। सबसे पहले हमने इसके गले पे लेस लगाई थी और बाद में इसको जो है हमने स्टिच किया है। इसके गले पे भी यूं ही है। इसके दामन पे हमने जो है वो जो दामन पे है वो हमने चोरी तरपाई की है ताकि दामन इसकी अगर लेंथ बड़ी का नहीं हो तो बड़ी भी की जा सके। और अगर कस्टमर को जितनी इसकी रिक्वायर थी उतनी ही हमने रखी है। साथ इसकी शलवार है, शलवार भी वेलवेट की है। शलवार की ओपनिंग पे भी लेस लगी हुई है। सेम उसी तरह इसको फ्यूज़ करके इसको हमने रेडी किया हुआ है। इसके चाकों पे देखें नीट तरीके से फिनिशिंग हुई हुई है। दूसरी साइड से भी देखें, इसमें किसी तरह के कान वगैरह नहीं निकले हुए कपड़े के। तो कैसे लगी हमारी वीडियो, व्यूअर्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सूट के साथ थोड़ी देर बाद। अल्लाह हाफिज़।